गुड मॉर्निंग सर। और गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। बहुत जबरदस्त शेयरिंग चल रही है। और मैं यहाँ सबसे पहले बताना चाहूंगा कि मैं यहाँ पर आया कैसे था। हो सकता है बहुत सारे लोगों को बहुत सारी मशीनें दिखा करके यहाँ पर आए हूँ, उनके चमत्कार, क्योंकि चमत्कारी मशीनें हैं ही हमारी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चमत्कार को ही नमस्कार होता है। तो बहुत सारे लोग उस चमत्कार को देख करके आए हैं कि हम बिना पूछे लोगों का चेकअप करके उनकी बीमारियों के बारे में बता देते हैं। लेकिन मुझे ये सारी चीजें फोन पर पता चली थी। आज तक किसी व्यक्ति ने फोन पर ही एंट्री नहीं दी होगी, सिर्फ मैंने फोन पर एंट्री दे दी थी, क्योंकि मेरे समझ में एक चीज आ गई थी। मार्केट में मैं पहले भी काम कर रहा था, वहां पर मुझे लोगों के पास जाना पड़ रहा था, और बहुत सारा जो है अपने आप लोगों को बहुत ज्यादा समझाना पड़ रहा था, बहुत ज्यादा एफर्ट्स करने पड़ रहे थे, और रिजल्ट फिर भी बहुत कम आ रहे थे। लेकिन यहाँ पर मैंने देखा, सिर्फ फोन पर जब सुना मैंने, पुष्पेंद्र जी ने और अशोक जी ने जब मुझे बताया समझाया, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर इस तरह की कुछ मशीनें हैं, इस तरह के कुछ ऑपरेटर्स हैं, हम इस तरीके से ट्रीटमेंट देते हैं यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पर तुरंत एंट्री कर लिया। विद इन 1 वीक के अंदर मेरी बिजनेस बेसिक ट्रेनिंग हो गई थी, जिसमें पूरा बिजनेस प्लान 3 दिन के अंदर हमने समझा था। जिस बिजनेस प्लान को, ओपीपी को आप आधे घंटे 20 मिनट के अंदर समझ लेते हैं, वो बीबीटी के माध्यम से हमने 3 दिन के अंदर उसका पूरा डीप नॉलेज वहां पर ली थी। और एक ही चीज समझ में आ गई थी कि दुनिया में कोई इस काम को करे या ना करे, लेकिन अपन इस काम को करेंगे और कामयाब भी होंगे, ये उसी दिन ठान लिया था। और इसका उदाहरण आपको मैं बता सकता हूँ। पहले दिन मैंने अपनी पहली एंट्री लगाई थी समस्तीपुर बिहार से, दूसरी एंट्री मैंने दूसरे दिन लगाई थी आपके रोहतक से। तो यानी कि इतना कॉन्फिडेंस बढ़ चुका था कि मैं खुलकर के बात कर पा रहा था इस विषय के ऊपर, क्योंकि वहां पर नॉलेज बहुत अच्छे तरीके से मिली बिजनेस के बारे में, अपने सप्लीमेंट्स के बारे में, और भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। अब बात करते हैं पेशेंट रिव्यू की। तो मैं यहाँ पर पेशेंट की अगर मैं बात करूं, तो मैं सिर्फ पर्सनल एक्सपीरियंस यहाँ पर शेयर करूंगा। पेशेंट तो बहुत सारे आते हैं और उन सबके बहुत सारे एक्सपीरियंस हैं, लेकिन पर्सनल एक्सपीरियंस जो कि अचानक बोलते हैं ना, एक्सीडेंटल अगर कोई केस आपके साथ हो जाए तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं। सर्दियों के दिन थे, पिछली सर्दियों के, ये जो सर्दी आ रही है इनसे पिछली सर्दियों के दिन थे, और रात हो रही थी काफी, हम सभी सो रहे थे। अचानक से प्रॉब्लम आई, पिताजी की तबीयत खराब हो गई बहुत ज्यादा, बीपी उनका बहुत ज्यादा हाई हो गया था, और वो पूरी बॉडी कांप रही थी, बिल्कुल पूरा शरीर कांप रहा था। तो हम सोच रहे थे कि बुखार वगैरह कुछ है, तो फिर मैंने बीपी नापा, तो मैंने देखा कि 225 बीपी उनका उस समय था। और 225 पर आप समझ सकते हैं कि स्थिति कितनी खतरनाक हो सकती है। यहाँ पर अगर मैं बात करूं, मेरे पास उस समय घर में दो हेड गियर मेरे पास रखे हुए थे, दो हेड गियर थे मेरे पास, तो मैंने दोनों हेड गियर को वहां पर काम पर लगा दिया। एक हेड गियर मैंने सिर पर करा और दूसरा हेड गियर मैंने हार्ट पर करा। ये दोनों हेड गियर से मैंने 15 से 20 मिनट की वहां पर थेरेपी दी, और 15 से 20 मिनट के बाद वो नॉर्मल हो गए। आपको यकीन नहीं आएगा दोस्तों, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, और मैं ये नहीं कहूंगा कि एक दिन में वो बिल्कुल ठीक हो गए। ये घटना लगातार 3 दिन हुई। उनका बीपी रात को बढ़ जाता था, 225 के आसपास आ जाता था। मैंने हेड केयर दोनों काम पर लगाए, 15 से 20 मिनट करते थे और बिल्कुल ठीक। आज ये जान लीजिए कि वो हेड केयर मेरे घर में जो है ना पूजा जाता, और मेरे घर में जो है ना हेड केयर सुपर स्टार जो है ऑपरेटर्स है ट्यांस का, हेड केयर सबसे ज्यादा फेवरेट जो है ऑपरेटर्स है। और आज बीपी की कोई समस्या नहीं है उनको, बीपी की कोई टेबलेट नहीं ले रहे हैं, और लगातार उस हेड केयर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और उनके साथ साथ उन्होंने मुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस उल्टे मुझे ही दिए हैं। उन्होंने क्या करना शुरू करा, उनके घुटनों में दर्द होता था तो उन्होंने हेड केयर घुटनों पर करना शुरू करा पिताजी ने, और उनके घुटनों में जो है जो दिक्कतें महसूस हो रही थी वो दिक्कतें बिल्कुल जो है नॉर्मल होनी शुरू हो गई, और धीरे धीरे आज जो है बिल्कुल ठीक है। जबकि मेरे पिताजी की जो उम्र है वो 93 ईयर है, 93 साल उम्र है उनकी, है ना। और इसी एक्सपीरियंस को मैंने आगे देखा, मेरे एक पेशेंट आए घर पर, घर पर मैं ऑपरेटर्स नहीं रखता, वो सेंटर में होते हैं। तो घर पर एक पेशेंट आए, महिला थी, 38 साल उम्र थी उनकी, और उनका वेट बहुत ज्यादा ओवरवेट था, है ना, यानी कि लगभग 76 किलो के आसपास उनका वेट था। उनके घुटनों में दर्द होता था उनको। अब ऑपरेटर्स को यह नहीं घर पर तो क्या कर रहे हैं, मैंने हेड केयर ही कराया उनको, और आपको यकीन नहीं आएगा 3 दिन के बाद जो उनको रिजल्ट आया, 3 दिन के बाद। लेकिन होता क्या है, देखिए हेड केयर को 15 से 20 मिनट करना जरूरी है, 15 से 20 मिनट आप करेंगे कंटिन्यू तभी आपको रिजल्ट वहां पर मिलेंगे। आपको ये नहीं कि 10 मिनट कर लिया तो फिर काम हो गया, 15 से 20 मिनट, 20 मिनट कम से कम रिजल्ट चाहिए, 20 मिनट कम से कम चाहिए थेरेपी के लिए,
तब आपको रिजल्ट मिलेगा वहां पर, बहुत जबरदस्त रिजल्ट वहां पर मिलने वाला है। तो आपको यकीन नहीं आएगा, वो महिला कह रही थी कि मैं अभी 1 किलोमीटर चल करके आई हूँ पैदल आई हूँ यहाँ पर, तीसरे चौथे दिन में बहुत अच्छे रिजल्ट आए हेड गेयर के। तो ये सिर्फ हेड गेयर के रिजल्ट हैं। बात करें अगर आप हमारे जो सप्लीमेंट्स हैं उनके भी बहुत जबरदस्त रिजल्ट हैं, लेकिन वो फिर कभी बाकी के लिए भी बचा करके रखना चाहिए। और असद जी हंस रहे हैं, शायद मैंने टाइम ज्यादा ले लिया है। थैंक यू सर, थैंक यू। नहीं नहीं सर, आपने टाइम ज्यादा नहीं लिया, मैं किसी और बात पे हंस रहा था, कोई दिक्कत नहीं। जी, और थैंक यू, बहुत थैंक यू।